सत्य महादेव, भारतवर्ष की यह भूमि कितनी सौभाग्यशाली है, मिट्टी कितनी धनवान है और वातावरण कितना सुहावना है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वनस्पतियां, फल फूल जड़ी बूटियां सहज ही उपज जाते हैं। प्रकृति की गोद में पलते बढ़ते ये औषधियां किसी को भी दीर्घायु और निरोगी जीवन का वरदान दे सकती है। आप जिन्हें भौतिक कहकर हीन समझ रहे हैं, वो स्त्री के रसोई का आवश्यक अंग है। एक स्त्री अपने जीवन का अधिकांश समय रसोई के भीतर भोजन पकाने में क्यों लगाती है महादेव? क्या उसे कोई व्यक्तिगत लाभ होता है? नहीं महादेव, एक स्त्री भोजन पकाने में इतनी रुचि सिर्फ इसीलिए लेती है क्योंकि उसे अपने पति और परिवार के स्वास्थ्य की चिंता होती है। इसीलिए वो उन्हें उत्तम से भी उत्तम भोजन कराना चाहती है। परंतु यदि आप अपने प्रेमिका की प्रेमपूर्ण भावना को ही नहीं समझ सकते, तो इस उद्यान में भ्रमण का लाभ ही क्या है?